सीधी सेहत की झाली जो अहमदाबाद की पहचान है, जिसका निर्माण ईस्वी सन 1572 यानी कि 1572 के दौरान सीधी सैयद नामक व्यक्ति ने की थी। सीधी सैयद की मस्जिद विख्यात है अपनी शानदार झाली के लिए। मस्जिद की झालियों पर किया गया बारीकी का काम पूरी दुनिया में मशहूर है। सीधी सैयद हफ्सा यानी इथोपिया से यमन होकर गुजरात आए थे और बाद में सीधी सैयद ने सुल्तान नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह तीसरे के दरबार में काम किया। अफ्रीका से भारत आकर यहाँ बसने वाले लोग सीधी कहे जाते हैं। सीधी सैयद गरीबों की मदद करने वाले दरिया दिल इंसान कहे जाते थे। उनके पास पुस्तकों का भंडार था। गुजरात के अंतिम शासक सुल्तान मुजफ्फर शाह तीसरे के शासनकाल के दौरान ही सीधी सैयद ने भव्य स्मारक का निर्माण किया था। मस्जिद का काम चल ही रहा था कि साल 1583 यानी कि 1583 में सीधी सैयद का इंतकाल हो गया और आज तक ये मस्जिद निर्माणाधीन हालत में है। ऐसा कहा जाता है कि सीधी सैयद के इंतकाल के बाद उनको वहीं दफनाया गया, पर वहां पर कोई भी मकबरा देखने को नहीं मिलता। कहा जाता है कि सीधी सैयद को कई गांव जागीर में मिले थे और उस गांव से आने वाली पूंजी में से ये बेनमून मस्जिद बनाई थी। लेकिन बाद में अकबर ने गुजरात जीत लिया, तब सीधी सैयद को गाँव से मिलने वाली रकम बंद हो गई, जिसकी वजह से मस्जिद का काम अधूरा ही रह गया। और कहा जाता है कि इसी वजह से एक जगह पर झाली के स्थान पर पत्थर रखे गए, जो आज हम मस्जिद की दीवार के बीच में देख सकते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि जब भारत आजाद हुआ तब अंग्रेज ये तीसरी झाली अपने साथ ले गए थे, पर इसका कोई समर्थन नहीं मिलता। इस्लाम आर्किटेक्चर से बनी इस मस्जिद में पीले बलुआ पत्थर यानी कि येलो सैंडस्टोन का इस्तेमाल किया गया है। कहा जाता है कि एक ही पत्थर पर नक्शे काम करके इस झाली को बनाया गया है। इस झाली में खजूर के पेड़ की डालियों को नकाशा गया है। इस झाली में पीपल के पेड़ को भी दिखाया गया है। एक दूसरे से लिपटे पेड़ और पत्तों की कलात्मक आकृति बनाई गई है। अंग्रेजों के काल में लॉर्ड कर्जन ने इस झाली की सुरक्षा करवाई। ब्रिटिश काल के दौरान इस मस्जिद का उपयोग सरकारी कचेरी के उपयोग में लिया जाता था। इसी सन 1880 में लंदन और न्यूयॉर्क के संग्रहालयों के लिए मस्जिद की झाली की नकल कागज पर उतार कर इसमें से लकड़ी के दो मॉडल बनाए गए थे। आज जीवन रूपी वृक्ष यानी ट्री ऑफ लाइफ को बयां करती मस्जिद की झालियां अहमदाबाद शहर जब भारत आए थे तब यहाँ पर इस झाली की मुलाकात ली थी। इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ भी इस झाली से बहुत प्रभावित हुए थे। सीधी सैयद की मस्जिद लाल दरवाजा के पास स्थित है। इस मस्जिद में कुल मिला के 4 जामिया है।
इस मस्जिद के पास एक बगीचा है जिससे होकर आप मस्जिद के पीछे जा सकते हैं, जहाँ से जालिया और भी खूबसूरत लगती है। सीधे सैयद मस्जिद की जाली अहमदाबाद की पहचान अहमदाबाद ने अपने लोगों में यानी के प्रत्येक स्थान पर इस जाली को रखा है।